नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी जेई पार्ट ऑफ अन अकेडमी में। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, हम लोग पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो जनरली होता क्या है ना कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टेज मीटर में बहुत सारे जब मेज़र करते हो तो कुछ एरर्स आते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो होता है आपको एररलेस रिजल्ट देता है। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ बहुत बार एमीटर और वोल्ट मीटर के जगह पे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि पोटेंशियोमीटर का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों आया पोटेंशियोमीटर, तो वोल्ट मीटर में कुछ कुछ एरर हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा एमीटर में जो करंट की वैल्यू होती है उसमें भी कुछ चेंजेज आते हैं, और वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो भी एक्चुअल आइडियल कंडीशन से थोड़ी सी दूर रहती है। तो इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो पोटेंशियोमीटर से हम लोग जनरली करते क्या है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। जनरली होता क्या है ये ध्यान से देखना तुम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। एक वायर होता है, ये एक वायर है, ठीक है, ये जो वायर है तुम्हारा इसका कुछ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, इससे हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, इसको ये सोर्स बैटरी है। क्या तुम्हारा ये सोर्स बैटरी है, सोर्स बैटरी है। अब क्या होता है, इस चीज को जो ये वायर है यहां से लेके यहां तक का जो ए बी वायर होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वायर है आपका इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। यूनिफॉर्म होता है, कैसा है ये, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस। अगर हम यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज अगर हम देखते हैं और इसका लेंथ अगर हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का L दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तो इसका कुछ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, मतलब यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं हम लोग इसका क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ये बेसिक बेसिक सी बातें थी, फिर से देख लीजिए, ये पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ये बाहर से सोर्स बैटरी लगा हुआ होता है, ये यूनिफॉर्म होता है, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो होता है जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं ये क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट होता है। वी बाय एल जो होता है तुम्हारा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो होता है, डिवाइड बाय एल जो होता है, ये क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए ये थ्योरी मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी लिख दी है ताकि आपको जब भी बोर्ड में पूछे तो इन थ्योरी को याद रखिएगा और आपके बोर्ड में क्वेश्चन थ्योरी जस्ट एज इट इज बोर्ड में उतार दीजिएगा। पहला क्या है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर को वोल्ट मीटर को यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है, इसलिए हम लोग किसको यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो होता है ओरिजिनल करंट बताता है विदाउट ओरिजिनल सर्किट को डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर और एमीटर क्या करता था, सर्किट के करंट को डिस्टर्ब कर देता था, ठीक है। और क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वायर में पास होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, लेंथ के रहेगा, ठीक है, क्योंकि V by L कांस्टेंट है। अभी मैंने बताया कि V by L जो होगा अगर ये कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ के, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, हम आगे देखते हैं इसको, ठीक है। करंट पास कर रहा है, आगे देखते, फिगर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, जब इस वायर में करंट पास कर रहा है तुम्हारा, मान लो ये पोटेंशियोमीटर का वायर है तुम्हारा, इसमें ये सोर्स बैटरी से मान लो करंट पास कर रहा है, सोर्स बैटरी को ई मान लेते हैं, और इसका जो वोल्टेज है वी बाई जो एल है, इसका रेसिस्टेंस कितना मान ले, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई इन टू आर इक्वल टू ई आना चाहिए, या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वी आना चाहिए, आना चाहिए। आर की वैल्यू तुम यहां पे पुट कर दो, रो एल बाई ए, आर की वैल्यू रो एल बाई ए, तो करंट की वैल्यू यहां पे निकल जाएगी, करंट की वैल्यू यहां पे निकल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा V है, V इक्वल टू आई आर करते हैं तो V इक्वल टू क्या निकलेगा, आई आर की वैल्यू रो एल बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि वी बाई एल इक्वल टू, वी बाई एल इक्वल टू आई रो बाई क्या हो गया तुम्हारा, ए हो गया, ठीक है। और वी बाई एल क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, वी बाई एल क्या होगा तुम्हारा, कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है तुम्हारा यहां पर क्या रहेगा, तुम्हारा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, V by L जो है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, वही मैंने यहां पे लिखा है V equal to IR, देख लीजिएगा इसको, पढ़ लीजिएगा, यानी कि और V equal to some constant into L, यानी कि V किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और K मतलब V by L हो गया पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इस चीज को मैंने I लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब अब इसको हम बनाते कैसे हैं, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको रह जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, बोर्ड के लिए बहुत ही आपको सॉलिड मटेरियल मैंने दिया है यहां पे, ठीक है। क्या करते हैं, जनरली हम एक वायर को लेते हैं जिसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, जिसका लेंथ 1 से लेकर 10 मीटर तक हो सकता है, उसको उड़न
बोर्ड पे फिक्स कर देते हैं। अब उसमें से जो करंट पास कर रहा होगा उसको आई बाई आर एच, रियोस्टेट अगर ले रहे हो तो आर एच, नहीं तो आई नॉट बाई अगर आर, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस है तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से इसको दिखा दिया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो इसको तुमने क्या ले लिया, जो सोर्स बैटरी थे इसको ई नॉट ले लिया है, अगर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है तो आर, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे रियोस्टेट लगा सकते हो। ये रहा तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का वायर रहा, ये पोटेंशियोमीटर का वायर रहा तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पे रियोस्टेट लगाए तो अच्छी बात है, नहीं भी रियोस्टेट लगाओगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ई इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ से हटा देते हैं और इसका रेसिस्टेंस कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे आर प्लस जो करंट जाएगा इसमें, इतना करंट इसमें जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करते क्या है इससे, देखो ध्यान से देखना, करते क्या है, पढ़ लीजिएगा एक बार, करते क्या है इसमें देखिए। ये था तुम्हारा सोर्स बैटरी, रियोस्टेट नहीं भी लगाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ये रहा तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर। अब मान लो ये पोटेंशियोमीटर वायर, अब मान लो मैंने यहां पे एक बाहर से एक बैटरी लगा दी इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, ये ई नॉट था तुम्हारा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करके मैंने बाहर से एक बैटरी लगा दी और इससे मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर दिया। कुछ लेंथ पे आपको इस लेंथ पे जो कुछ वोल्टेज मिला होगा, यहाँ पे ये बैटरी इसको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आने लगा, तो मैं ये जॉकी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जॉकी बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को ए था तुम्हारा, इस पॉइंट को ए था तुम्हारा, ये पॉइंट बी था तुम्हारा, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं तुम्हारा, डी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीच हमने बैटरी लगा दिया। अब देखो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इसमें कोई करंट ही नहीं है, तो यहां का जो वोल्टेज होगा और यहां का जो वोल्टेज होगा दोनों सेम होगा, तभी तो इसमें कोई करंट पास नहीं करेगा ना, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। इसका क्या ये मतलब हुआ कि जो भी करंट आएगा इधर से ऐसे निकल जाएगा, यानी कि इसका वोल्टेज और ये वाला सेम, इसका वोल्टेज कितना, इसका वोल्टेज क्या E1, और इसका वोल्टेज कितना, वोल्टेज अगर तुम इसके बीच का निकालोगे वोल्टेज V1, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना भाई, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो V1 की वैल्यू क्या K into L1 हो जाएगी, यानी कि E1 की वैल्यू क्या K into L1 हो जाएगी। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K into L1 हो जाएगी। अगर सिमिलरली हम लोग क्या करें, एक और यहां पे इसी तरह का बैटरी लगा दें E2 वोल्ट का, तो ये भी गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो कहीं ना कहीं पे देगा, इस लेंथ को क्या मान ले हम, L2 मान लेते हैं, तो सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या K into L2 हो जाएगी। तो अगर हम यहां से अगर देखना चाहें तो E1 डिवाइडेड बाई E2 करते हैं तो L1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, L2। स्केल से हम लोग लेंथ मेजर कर लेंगे, अगर E1 पता है मुझे तो E2 पता चल जाएगा, अगर नहीं भी पता है तो दोनों का वैल्यू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला जो यूज होता है पोटेंशियोमीटर का, वो यूज क्या है पोटेंशियोमीटर का, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के बीच का ईएमएफ कंपैरिजन करना। कैसे किया अभी मैं आपको बता दिया, ई1 निकाल लो K into L1 तो E1 by E2 by E1 equal to L1 by क्या आ जाएगा, L2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालते हैं बैटरी का। कैसे निकालते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, ध्यान से देखो, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर था, ये आपका पोटेंशियोमीटर था, ये पोटेंशियोमीटर वायर था, ये पोटेंशियोमीटर क्या था, वायर था। यहां पे तुमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, ये ई मान लेते हैं, यहां पे तुमने गैल्वेनोमीटर लगाया जी, और जॉकी ये लेंथ मिला तुम्हारा यहां पे L1 पे, तो क्या लिख देंगे, E equal to K into L1 लिख दिया, पहला इक्वेशन E equal to क्या लिख दिया, K into L1 लिख दिया। नेक्स्ट टाइम क्या किए, ये जो तुम्हारा सर्किट था, तुम्हारा ये जो सर्किट तुमने बना रखा था, इसी में मैंने क्या किया ध्यान से देखिएगा, इसी में मैंने क्या किया, जो सर्किट आपका पहले से बना हुआ था, ये बैटरी था लगा हुआ, अब देखना पॉजिटिव से पॉजिटिव को ही कनेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इंटरनल रेसिस्टेंस था, यहां पे गैल्वेनोमीटर था, इसमें मैंने क्या किया बाहर से एक रेसिस्टेंस लगा दिया, ये तो आर पहले से था, ये ई था, बाहर से एक रेसिस्टेंस लगा दिया आर, इसमें करंट नहीं जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, और ये लेंथ है L2, यानी कि यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा V equal to K into L2 होगा, और वो इसके वोल्टेज के बराबर। अब इसका वोल्टेज कितना, इसमें तो करंट उधर नहीं जा रहा है ना, लेकिन इस बैटरी से जो करंट निकलेगा वो इसमें तो फ्लो करेगा, इसमें करंट कितना होगा इस वाले सर्किट में, I equal to E divided by R plus R, और इसका वोल्टेज कितना, I into R, यानी कि इसका जो वोल्टेज होगा नीचे वाले का वो I into कितना R, यानी कि ER divided by R plus R, यानी कि यहां पे जो वोल्टेज मिल रहा है इन दोनों के बीच में वो KL2 के प्रोपोर्शनल, उसकी वैल्यू इतनी। तो आप यहां पे देखोगे तो पहला वाला जो E था उसकी वैल्यू आई KL1, और दूसरा वाला जो वोल्टेज था इसकी वैल्यू आई कितनी,
आई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इक्वल टू कितना है तुम्हारा के एल टू, ठीक है। दूसरे वाले का वोल्टेज कितना है के एल टू। अब वहां से देखोगे V को हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E माइनस आई आर लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दोगे तो E डिवाइडेड बाई E माइनस आई आर, E माइनस आई आर इज इक्वल टू, V को लिख सकते हैं ना E माइनस आई आर क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, L1 by L2। तो यहां से इस इक्वेशन से L1 L2 तुमने अगर स्केल से मेजर कर लिया है तो यहां से स्मॉल रेसिस्टेंस जो इंटरनल रेसिस्टेंस है इसकी क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान से रखिएगा और ये बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो वही मैं बात यहां पे आपसे किया हूं कि V2 निकल गया K into L2, तो यहां से जो है E by R equal to K into L2 आ गया है। अब तुम अगर यहां से देखोगे तो इक्वेशन और वन और टू से स्मॉल रेसिस्टेंस की मैंने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो तब तक के लिए जब तक आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छा चीज बता, एक एक चीज को याद रखिएगा। मैंने आपको एमीटर बता दिया है, वोल्ट मीटर बता दिया है, पोटेंशियोमीटर बता दिया है, सब कुछ मैंने आपको धीरे धीरे कवर करवा दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है। फिर से मैं कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा जो आपके बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट रहेगा, जेईई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।